जैसे ही पता चला है कि भारती सिंह ड्रग किया करती थी, नशा किया करती थी, जैसे ही एनसीबी ऑफिस में पूछताछ के बाद भारती सिंह ने इस बात को स्वीकारा है कि हाँ वो नशा किया करती थी। ये जानने के बाद द कपिल शर्मा शो में नजर आने वाली कॉमेडियन भारती सिंह को लोगों ने अपने निशाने पर तो लिया ही, नाराजगी जाहिर किया ही। कपिल शर्मा को भी किसी ने नहीं बख्शा, कपिल शर्मा भी जमकर ट्रोल हुए। लोगों ने कहा कि अब अगला नंबर कपिल शर्मा का होगा, अगर पूछताछ और छापेमारी भारती सिंह के घर पर अचानक हो सकती है तो कपिल शर्मा के घर पर क्यों नहीं। जैसे आप जानते ही हैं, कपिल के पत्नी गिन्नी जो है दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली है, और इस बीच अगर कपिल शर्मा पर इल्ज़ाम लगते हैं तो उसका मेंटल स्ट्रेस कपिल और उनकी पत्नी गिन्नी पर तो पड़ेगा। खैर, आपको बता दें कि कपिल शर्मा इस तरह के विवादों में पहली बार नहीं फंसे, इससे पहले भी कपिल शर्मा इस तरह के विवाद में फंस चुके हैं, अपने शो को लेकर बहुत मुश्किलों से गुजर चुके हैं। गौर हो, कपिल शर्मा शो में अपने किरदारों से लोगों को खूब हंसाने वाले सुनील ग्रोवर के साथ कपिल शर्मा की बहुत ही ज़बरदस्त बॉन्डिंग आज आप देख रहे हैं दोबारा। लेकिन कभी इस बॉन्डिंग को ऐसी नज़र लगी थी कि कपिल और सुनील के बीच जमकर झगड़े हुए थे। दरअसल कहा जाता है कि कपिल शर्मा ने फ्लाइट में नशे की हालत में सुनील के साथ बहुत लड़ाई की थी। सुनील पर वो भड़के थे, सुनील पर अपना गुस्सा निकालते नजर आए थे, यहाँ तक कि अभद्र शब्दों का भी कपिल शर्मा ने प्रयोग किया था सुनील ग्रोवर के खिलाफ नाराज़गी जाहिर करने के लिए। खैर, बाद में कपिल शर्मा ने जब सुनील ग्रोवर को रोकने की कोशिश की थी तो सुनील को कपिल ने हाथ उठाकर डराया भी था, हाथ भी उठा दिया था सुनील ग्रोवर पर, मालूम चला है कि थप्पड़ भी मारे थे। इसी कारण से सुनील ग्रोवर ने जब उन्हें रोका था तो कपिल नशे में थे, और कपिल ने ट्वीट कर सुनील से इसके लिए माफ़ी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था इस पर ध्यान, सुनील उनसे बहुत नाराज़ थे और शो का अलविदा कहना बहुत बड़ा झटका दे गया था। नेक्स्ट लाइन न्यूज़ रूम से कृति की रिपोर्ट।